आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आरबीआई और सेबी इसमें क्या फर्क है या क्या समानता है। देखिए, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जबकि सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड है। दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुद्रा भंडार को मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने और देश की क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को कुशलता से काम करने के लिए आरबीआई देश में बैंक नोट बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी जो सेबी है वो देश में निवेश बाजारों के संचालन की निगरानी के लिए 1992 मतलब 1992 में गठित एक स्वायत्त निकाय है। बाजार स्थिर और कुशल बाजारों को रखने के लिए बोर्ड नियामक के कार्य करता है। दो मौद्रिक निकायों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में अस्पष्ट मतभेद है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के लिए खड़ा है और देश का एक केंद्रीय बैंक है। ये सभी बैंक और भारत सरकार के लिए बैंकर है। यह 1935 में स्थापित किया गया था और भारत को आजादी मिलने के बाद 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया। इसमें एक राज्यपाल के साथ एक निदेशक मंडल है। मुद्रा नोट जारी करने के लिए आरबीआई देश में एकमात्र संगठन है। यह सोने के न्यूनतम भंडार और 200 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमेशा रखता है। आरबीआई सरकार के सभी लेन देन करता है क्योंकि सरकार की ओर से इसे मान्यता प्राप्त है और ये भुगतान करता है। देश में हर बैंक को अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए आरबीआई के साथ न्यूनतम नगद आरक्षित रखने की आवश्यकता है। आरबीआई सभी बैंकों को बैंकिंग परिचालन जारी करने की लाइसेंस प्रदान करता है यदि वो उन्हें फिट पाता है कि ये करने लायक है, तो इस लाइसेंस को उसे रद्द करने का भी अधिकार है। आरबीआई सभी बैंकों के लिए उधार दरों को भी निर्धारित करता है जो कि दर पर बैंकों को उद्योग और कृषि दोनों उपभोक्ताओं को ऋण वितरित करने की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं सेबी पे। 1992 में सेबी नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा करना था, प्रतिभूति बाजार की वृद्धि में मदद करना था और इसे प्रभावी ढंग से विनियमित करना ताकि विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। सेबी इन कर्तव्यों को उत्साह और दक्षता से कर रहा है। इसने व्यापक नियामक विधियों, कड़े कड़े दायित्व, पंजीकरण मानदंड और पात्रता मानदंड पेश किए हैं जिससे भारतीय प्रतिभूति बाजार में काफी मदद मिली है। सेबी के सभी मामलों को एक नियुक्त बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया गया है जिसमें अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। 50 लाख रुपए से अधिक सार्वजनिक पेशकश की जाने वाली कंपनियों को सेबी से मंजूरी मिलनी आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के इन दो पहलुओं के बीच जो खबर है एक टक की खबर है क्योंकि सेबी अपनी प्रतिभूतियों की परिभाषा में संशोधन करने की इच्छा करता है जो सभी मार्केट करने योग्य उपकरणों को लाने में मदद करता है। इसका मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक स्वायत्त विनायक है। इसके चलते मुद्रा डेरिवेटिव सेबी के दायरे में आरबीआई को दरकिनार किया जा सकता है। सेबी ने संशोधन में एफटी और बीमा पॉलिसी रखने का प्रस्ताव रखा है लेकिन इसमें आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई अन्य उपकरण शामिल हो सकते हैं। आरबीआई और सेबी के बीच बातचीत भी चल रही है और जल्दी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक सूत्र तैयार भी किया जा सकता है और इस पर काफ़ी वॉकआउट भी हो रहा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो बैंक और सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करता है जबकि सेबी प्रतिभूतियों और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो निवेश बाजारों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है।
सेबी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के कारण दोनों निकायों के बीच तनाव रहा है हमेशा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।